हरियाणा विधानसभा चुनाव में वक्फ बोर्ड विधेयक भी बड़ा मुद्दा है। प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। और गुरुग्राम के बादशाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को साफ संदेश दिया। वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी और इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। सच्चाई ये है कि इस देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, इसीलिए वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा लाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर अग्निवीर पर विपक्ष के आरोपों पर भी अमित शाह ने जवाब दिया और राहुल गांधी पर हमला बोला। ए राहुल बाबा, ये झूठ बोलने का मशीन। ए राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं, सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। तो वही हरियाणा के चुनावी रण में अब आरक्षण और बाबर पर भी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने प्रचार के दौरान राहुल गांधी को चुनौती दी। और सोनीपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले किसी भी कीमत पर आरक्षण खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, ये शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आपने नहीं दिया था, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। ये आरक्षण आपको हमें आपको खत्म करने के लिए 10 बार भी जन्म ले तब भी आप ये खत्म नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने बाबर का जिक्र करते हुए कांग्रेस और विरोधी दलों पर जोरदार हमला किया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है जिसके लिए सभी दल पूरा दम लगा रहे हैं। जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का आलम, चुप बैठने से हल नहीं होता है मसला। जिया जालंधरी की ये लाइनें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज जम्मू के कठुआ में भाषण के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन पीएम मोदी पर उनके तीखे हमले जारी रहे। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कठुआ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन तभी मंच पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। खड़गे को चक्कर आने लगा और वो बेहोश होने लगे। हालांकि समय रहते उनके सुरक्षाकर्मी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने संभाला, उन्हें कुर्सी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय बाद खड़गे फिर भाषण देने पहुंचे और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला हूं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। खड़गे जसरोटा में मंच पर भाषण दे रहे थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी वो बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री यहां आकर युवाओं के भविष्य के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं। यूपी से अंदर की खबर है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया और जिसके नतीजे भी उम्मीद से बढ़कर मिले, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों का ये साथ छूट सकता है। ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है अखिलेश यादव उतना देने को तैयार नहीं है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो था 2%, यानी एक विधानसभा के अंदर 5,500 से 6,000 वोट अंदाजन। यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो आपको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी सफलता आपको मिली है वो समाजवादी पार्टी की वजह से मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सीटें ना देने की वजह से अखिलेश यादव राहुल से नाराज हैं और इसीलिए उपचुनाव में कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। दी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ का एक बंधन है जिसे ठग बंधन कहते हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी।
यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। प्रयागराज में कांग्रेस की ऐसी ही सभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। फूलपुर उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन टिकट की चाह में पहुंचे कांग्रेस नेताओं के समर्थक आपस में जमकर मारपीट करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। इस दौरान मंच पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। मंच से नेता शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। नेताजी ने धमकाया भी कि जिनके समर्थक नारेबाजी करेंगे उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगा। लेकिन कार्यकर्ता उनकी बात अनसुनी कर आपस में भिड़ते रहे और घूंसे से एक दूसरे को मारते रहे। इस मारपीट को देखकर कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट गए। अजय राय मंच पर बैठकर पसीना पोंछते नजर आए तो दूसरे कांग्रेस नेता भी स्थिति से असहज हो गए। आ बैल मुझे मार, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। यूपी से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी कुछ ऐसा ही किया। गांजे पर गजब ज्ञान देकर ऐसा फंसे कि उन पर FIR हो गई। अफजाल अंसारी के खिलाफ यूपी के गाजीपुर में FIR दर्ज की गई है। ये FIR गाजीपुर कोतवाली में गोरा बाजार चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई है। उस समुदाय में आक्रोश पैदा था, भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पे संबंधित धारा में अभी पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई। FIR में अफजाल के उस बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे साधु संत महात्मा समाज के लोग गांजा को बड़े शौक से पीते हैं। जरा उनका पुराना बयान भी सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। लाखों करोड़, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए। इस बयान के सामने आने के बाद से ही देश भर के साधु संत आक्रोशित हैं और उन्होंने अफजाल अंसारी पर कार्रवाई की मांग की थी। कानून अगर बनाना है तो 3 तलाक पर बनाइए, कानून अगर बनाना है तो हलाला पर बनाइए, अपने कौम की बात कीजिए, समस्त हिंदू समाज के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी साधु संत अफजाल को हिंदू धर्म पर बयानबाजी के बजाय हलाला जैसी कुप्रथाओं पर काम करने की सलाह दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को आखिरी चरण की वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पार्टी हिजबुल्ला के नाम पर आंसू बहा रही है। सवाल यह है कि क्या आखिरी चरण हिजबुल्ला के नाम पर लड़ा जाएगा? क्या इन सियासी आंसुओं का चुनावी कनेक्शन है? क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्ला चीफ नसर अल्लाह को क्या मार गिराया कि आधे कश्मीर में आंसू बहने लगे? सवाल यह है कि सियासी दल को सदमा क्यों लग रहा है? पहले उमर अब्दुल्ला का बयान सुनिए। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इसराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। नसर अल्लाह की मौत पर आंसू बहाने वालों में महबूबा मुफ्ती का भी नाम शामिल है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं रविवार को अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि महबूबा के इस फैसले को बीजेपी PDP का रिलीजन कार्ड बता रही है। उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। सवाल ये है कि महबूबा और अब्दुल्ला क्या नसरल्लाह की मौत को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आतंकी की मौत पर आंसू बहाकर घाटी में कोई खेल खेल रहे हैं? अब सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने किस रणनीति के तहत हिजबुल्ला चीफ की मौत पर मातम मनाकर ये खेल खेला है, क्योंकि घाटी में इसका असर दिखने लगा है। नेताओं की खुलकर बयानबाजी के बाद बड़गाम में विरोध मार्च निकाला गया। आतंकी आका के प्रति हमदर्दी दिखाने वाली की लंबी कतार रैली के रूप में निकली और विरोध के नाम पर आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई। यानी कश्मीर का युवा क्या नसरल्लाह जैसे आतंकी को अपना रोल मॉडल मानता है? क्या आतंकी पाठशाला चलाने वाला किसी के लिए शान हो सकता है? एक आतंकी के लिए ऐसी नारेबाजी, वो भी हिंदुस्तान की सरजमी पर।
और ये नारेबाजी महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिकल टिप्पणी के साइड इफेक्ट तो नहीं है? आप खेल देखिए, इस विरोध मार्च का चेहरा छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को बनाया गया जिनसे आपत्तिजनक नारे लगवाए गए। सवाल ये है कि घाटी के युवाओं को इस तरह राह पर कौन लेकर आ रहा है? क्या ये सारी कवायद आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर है? खूंखार आतंकी और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की मौत क्या कश्मीर में चुनावी माहौल पर असर डाल पाएगा? क्योंकि घाटी में नसरुल्ला के समर्थन में जिस तरह से लोग सड़क पर उतरे उससे सवाल उठने लगे हैं। करगिल में बड़ी संख्या में लोग हसन नसरुल्ला के पोस्टर, बैनर और लेबनान के झंडे लेकर सड़क पर उतर आए और मातम मनाने लगे। लोगों ने इसराइल की कार्रवाई का विरोध किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल रहे। कुछ ऐसा ही नजारा श्रीनगर में दिखाई दिया जहां बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। हजारों की संख्या में बच्चों के हाथों में पोस्टर थमाकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। एक ऐसे आतंकी के लिए किया गया जो हजारों की मौत का जिम्मेदार था। इनके हाथों में फिलिस्तीन और लेबनान के झंडे थे और ये नारे लगा रहे थे, लेबनान के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। एक शख्स तो मासूम बच्चे को ऊपर उठाकर खूंखार आतंकी पर इसराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा था। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़क पर उतरे, साथ ही इसराइल, अमेरिका और यूरोप को जमकर कोसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच गुरमीत राम रहीम ने परोल की अर्जी लगाई तो वहां की सियासत गर्म हो गई और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जेल विभाग से अर्जी के पीछे आकस्मिक वजह बताने को कहा। कानून के मुताबिक चुनावों के दौरान अगर किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में परोल पर रिहा करना जरूरी होता है तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परमिशन लेनी होती है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को अब तक 10 बार परोल और फरलो पर अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। साल 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से डेरा प्रमुख 255 दिन यानी 8 महीने से ज्यादा समय जेल से बाहर बिता चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिनों के लिए परोल पर जेल से बाहर आए थे। ऐसा माना जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के दलित और पिछड़ी जातियों की वोट बैंक और अच्छा प्रभाव है और हरियाणा की करीब 36 विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम ने 20 दिन की परोल पर रिहाई की मांग की है जिसे सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन में जाकर कश्मीर का रोना रो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात उनसे नहीं संभल रहे। रावलपिंडी में इमरान समर्थक सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान के अंदर ही आजादी के नारे लग रहे हैं। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज की पुलिस ने रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए तो इमरान समर्थक नदी के रास्ते आगे बढ़ते दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग भी की जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए और कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहबाज की पुलिस इमरान समर्थकों को रोकने के तमाम प्रयास करती नजर आई लेकिन सफल नहीं हुई। लोग ई रिक्शा में भर भर कर रावलपिंडी पहुंचे और इमरान खान की रिहाई की मांग की। इस दौरान इमरान समर्थक जल्दी छोड़ो कैदी नंबर 804 के नारे लगाते सुनाई दिए। कैदी नंबर 804 कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है जो पिछले एक साल से जेल में बंद है। जनता की नजरों से दूर होने के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है और वो सलाखों के पीछे रहकर भी पाकिस्तानी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। कठुआ में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकियों के एक ग्रुप को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। बिलावर तहसील के कोक मंडली गांव में एक घर के अंदर आतंकवादियों के ग्रुप के छिपे होने की सूचना मिली जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों की तलाशी के लिए यूएवी ड्रोन्स की भी मदद ली गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। आतंकियों से हुई इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया जबकि डीएसपी और एएसआई जख्मी हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया और सर्च भी जारी। 3 से 4 आतंकवादियों के होने की सूचना थी इस इलाके में और अभी इसके लिए सर्च जारी। ये फॉरेन टेररिस्ट माने जा रहे हैं। अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है। इस मुठभेड़ में कुछ आतंकियों के घायल होने और एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं।
राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस ही अब सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक कांस्टेबल को कार से रौंद दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में देखिए, एक बाइक को पीछे से आ रही कार टक्कर मारती है और बाइक को घसीट कर ले जा रही है। जानकारी के मुताबिक नांगलोई में बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल संदीप ने एक तेज रफ्तार कार को रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन जैसे ही संदीप बाइक से आगे निकला तो पीछे से कार ने टक्कर मार दी। इस वक्त मैं आपको वही कार दिखा रहा हूं जो आरोपी जांगड़ा की है। इसी कार से पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। ये घटना बीती रात 2 बजे की है, जब पुलिस कांस्टेबल संदीप नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांस्टेबल संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी चालक फरार है। व्हीकल वो हमें मिल गया है, लेकिन अभी जो एक्यूज है वो एब्सकॉन्ड है। हमने काफ़ी टीम्स इसमें बना लिए हैं, हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो भी आ गए हैं, एंड वी होप दैट वी विल सक्सेस सून। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल संदीप को शराब सप्लायर ने कार से कुचला है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस के सीनियर अधिकारी घटना की जाँच कर रहे हैं। 103 BNS के तहत मर्डर का केस भी दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में एक कॉलेज के पास छेड़खानी के आरोप में कुछ लड़कों की पिटाई हो गई। पुलिस जब उन्हें पकड़कर थाने लेकर आई, तब पता चला कि वो अपने YouTube चैनल के लिए प्रैंक वीडियो बना रहे थे। इधर उन लड़कों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस और स्थानीय नेता में बहस भी हो गई। आप जितनी अड़ियल घोड़े की तरह बिल्कुल यूं खड़े रहते हो, बिल्कुल नहीं होगा ये काम। पूर्व महापौर का आरोप था कि इंस्पेक्टर उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेने में देरी कर रहे हैं, जबकि इंस्पेक्टर का कहना था कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इंस्पेक्टर साहब जब नियमों का पाठ पढ़ाने लगे तो वो पूर्व मेयर भड़क गई और थानेदार से बहस करने लगी। सुनिए, अपराधी कबूल कर रहा है, एक बार आप ये सुनिए, आपकी बेटी के साथ झगड़ा कैसी होगी। मुकदमे पर बहस होते होते बात हिंदू शक्ति तक पहुंच गई थी। जिन यूट्यूबर्स पर मुकदमे को लेकर बहस हो रही है, उन्हें कॉलेज के पास प्रैंक वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। उन लड़कों का दावा है कि वो गोरिल्ला वाला मास्क पहने हुए थे, जिसे देखकर लड़कियां भाग रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो उन्हें छेड़ रहे हैं। लड़कों के प्रैंक का भूत भी अब उतर चुका है। लंबी बहस के बाद तीनों को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में जेल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कमौलवी की एक महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी, और वो भी भरी पंचायत में। घटना की का वीडियो सामने आया है। जरा इस वीडियो को देखिए, एक कमरे में टोपी वाले कुछ लोग बैठे हैं, वहीं पास में महिलाएं भी बैठी हैं। इन लोगों की आपस में कुछ बातचीत हो रही है, तभी एक बुर्के वाली महिला खड़ी होती है और एक मौलवी पर दे दनादन चप्पलों की बौछार करने लगती है। मौलवी पर आरोप है कि झाड़ फूंक के बहाने उसने महिला से छेड़खानी की थी। जब महिजनों को बताया तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई, लेकिन बातचीत के दौरान ही महिला भड़क गई और मौलवी साहब की धुनाई कर दी। आरोपी मौलाना का नाम फुरकान है और वो झाड़ फूंक करता है। सूरत में गरबे की आड़ में होने वाली छेड़खानी को रोकने के लिए पुलिस ने खास प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत छेड़खानी करने वाले लोग भीड़ में आम महिला और पुलिस वालों में अंतर नहीं करते, क्योंकि सूरत में इस गरबे के सीजन पुलिस वाले भी गरबे की ड्रेस में ही रहेंगे। ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी गरबे के शोज में तैनात रहेंगी। गरबा करते करते ये पुलिसकर्मी मंचलों पर नजर रखेंगे, और अगर कोई बदकिस्मत मंचला इनके हाथ लग गया तो उसके आगे का गरबा पुलिस थाने में ही कराया जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैनात रहेगी। देखा जा सकता है कि जिस तरह से नवरात्रि में बदमाशों उस नवरात्रि का फायदा उठा के भीड़ में चले जाते हैं और महिला और बच्चियों की छेड़ती करते हैं, इसी मामले को जिस तरह से काबू में लेने के लिए पुलिस ने सी टीम तैयार की और पुलिस इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार रहेगी। सूरत की सी टीम पूरे गरबा भर शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी। इसके लिए करीब 150 कर्मचारियों का चयन किया गया है। सी टीम की जो भी टीम है, हमारी 35 से 37 सी टीम है, जिसमें 5-5 या 6-6 कर्मचारी काम करते हैं, उनको उस मिला के हम लोगों के पास 150 जितने कर्मचारी है। छेड़खानी को रोकने के लिए सूरत पुलिस की इस पहल से निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा में आसानी होगी।
मध्य प्रदेश के गांव में एक नंदी था जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया और अब जब उसकी डेथ हुई तो लोगों ने उसका मंदिर बनवा दिया। अब वो नंदी मुरैना के राजा का तौर गांव के लिए नंदी देवता बन गया। नंदी के निधन के बाद गांव के लोगों ने मिलकर भंडारा करवाया। नंदी के मंदिर के पास बैठकर ही ये लोग ब्रह्म भोज में शामिल हुए। 13 सितंबर को नंदी का निधन हुआ था और इसके बाद लोगों ने पूरे विधि विधान से उसे दफनाया। दफनाने के बाद उस जगह की मिट्टी लेकर ये लोग गंगा जी भी गए और इसके बाद सब ने मिलकर गांव के लिए ब्रह्म भोज कराया। इस भंडारे में कम से कम 50 गांव के लोग शामिल हुए थे और भी गांव सबका सहयोग है। कितने ग्रामीण कितने गांव का नौता है इसमें? कम से कम 50 गांव का निमंत्रण है इस भंडारे में। नंदी बाबा का भंडारा कर रहे हैं। जिस नंदी के मरने पर 50 गांव के लोग भोज करने आए हैं, उसे लोगों ने भगवान का रूप मान लिया था। वो नंदी ऐसा था कि अगर एक घर में उससे खाना ना मिले तो दोबारा कभी वहाँ जाता नहीं था। उसके स्वभाव को देखकर गांव वालों को भी उससे लगाव हो गया था और अब मरणोपरांत उसे भगवान का दर्जा देकर नंदी बाबा के मंदिर में लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। दुनिया भर में राम की पूजा होती है लेकिन प्रयागराज के हाल निराले हैं। यहाँ दशहरा उत्सव की शुरुआत रावण की पूजा के साथ होती है और शहर भर में रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। संगम नगरी में रावण अपनी मायावी सेना के साथ घूम रहा है जो इस बात का संदेश है कि दशहरा के उत्सव का आगाज हो चुका है। घोड़े रथ बैंड पार्टियां और मनमोहक लाइट्स के बीच निकली ये लंकापति रावण की मायावी सेना है जिसका स्वागत करने पूरा प्रयागराज शहर उमड़ा है। ऐसा स्वागत कि रावण भी देख ले तो भूल जाए कि वो रामायण का सबसे बड़ा विलेन है। नगरी में भ्रमण करूंगा और जो कोई भी राम का नाम लेता हुआ मुझे नजर आ जाएगा उसका नाक और कान काट कर उसमें शीशा डाल दिया जाएगा। रावण बारात के नाम से निकलने वाली इस शोभा यात्रा के साथ ही प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज में लंकाधिपति रावण को उनकी विद्वता के कारण पूजा जाता है। यहाँ कटरा रामलीला कमेटी ना तो रावण दहन करती है और ना ही पुतले का वध किया जाता है। गए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, शायद हमारे गांव देहात के दर्शक इस कहावत को बखूबी समझ रहे होंगे। एक विदेशी यूट्यूबर के साथ भी महादेव की नगरी एमपी के उज्जैन में कुछ ऐसा ही हुआ। कहाँ तो ये भाई साहब अपने देश से भारत को एक्सप्लोर करने और फूड ब्लॉगिंग करने भारत आए थे, कहाँ उज्जैन में भांग वाली लस्सी पीकर भंड हो गए। I'm here in India and this is a baba and he's been here 17 years making this It's like a milk drink. भारत और भांग के कनेक्शन को ये यूट्यूबर हल्के में ले रहा था। भांग को खरपतवार बताकर मजाक बना रहा था कि तभी भाई साहब भांग वाली लस्सी से भरा पूरा ग्लास गटक गए और अंजाम देखिए। I'm gonna try this. I'll let you know how it goes. Not feeling too hot. हालत ये हुई कि कुछ देर बाद भाई साहब चित हो गए और आनन फानन में एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। फिलहाल यूट्यूबर की हालत ठीक है लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं कि भारत बिगिनर्स के लिए नहीं है। बढ़ेंगे आगे अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के धनबाद में कुछ लड़के एक दुकान में रसमलाई खाने गए, खाते खाते उन लोगों को रसमलाई में कीड़ा दिख गया। इसके बाद दुकान में हंगामा शुरू हुआ। रसमलाई का स्वाद लेते लेते जब एक लड़के के मुंह में कीड़े का स्वाद आया तो वहाँ माहौल बिगड़ गया। सभी लड़के मिलकर उस दुकान के स्टाफ से बहस करने पहुँच गए। रसमलाई लिए तो उसको जब खाए आधा तो उसके अंदर से कीड़ा निकला। जब हमने बोला कि यहाँ मधुलिका में कीड़ा निकला हुआ तो वो बोलते हैं कि लाइए हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। इधर बहस करने गए लड़कों से बेतुकी बातें की गई। खराब रसमलाई का विरोध करने पर दुकान का मालिक कस्टमर से पूछने लगा कि वो कोई प्रधानमंत्री है क्या। आप कौन चीज है भाई? प्रधानमंत्री है। इधर स्वीट शॉप के कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के सीजन की वजह से कीड़ा आ गया होगा। हो सकता है कीड़ा ऊपर से आ गया, मतलब ऐसा बारिश का समय कीड़ा तो घूमता ही रहता है, तो कीड़ा गिर गया होगा सर। ऐसी घटनाओं से उन लोगों को सीख जरूर लेनी चाहिए जो आंख बंद करके किसी भी दुकान से कुछ भी खा लेते हैं। सरकारी जमीन पर कोई चाहे कितना भी कब्जा कर ले लेकिन कभी ना कभी उस पर कार्रवाई जरूर होती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसी ही सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को गिरा दिया गया। नगर निगम के बुलडोजर नोट नोट कर उस दुकान को गिरा रहे थे।
अच्छी खासी दो मंजिला दुकान को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। आज जहां धूल का गुबार उठ रहा है वो दुकानें कभी गुलजार रहती थी, लेकिन अतिक्रमण करके बनाई गई प्रॉपर्टी कब तक सेफ रहती? कभी ना कभी सरकार की नजर तो उस पर पड़नी ही थी। अब जब बिलासपुर के सरकंडा में सरकार की नजर पड़ी तो दुकानों को तोड़ दिया गया। कब्जे को लेकर बिलासपुर के तहसीलदार ने आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रशासन के बुलडोजरों ने अवैध दुकानों पर इस तरह चढ़ाई की। झारखंड के गिरिडीह में दबंगों ने एक गरीब का घर बुलडोजर से गिरा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवार से मारपीट भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक घर की दीवार पर बुलडोजर चल रहा है, जबकि पीड़ित परिवार के साथ अपने आशियाने को बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इतना ही नहीं, दबंग घर की छत पर चढ़कर पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। उनके हाथ में डंडा भी होता है। दबंगों के आगे इनकी एक भी नहीं चलती और इस गरीब के घर को जमींदोज किया जाता है। मामला गिरिडीह के सरिया इलाके का है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये घर उनकी मां के नाम से है, लेकिन कुछ लोग जबरन इसे उनके चाचा को दिलवाना चाहते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। गुंडों के साथ आकर जेसीबी के साथ जो है सो मेरे घर को तोड़ दिए, कौन कर दी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर थाने का घेराव किया, जबकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका संज्ञान लिया और गिरिडीह प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नेपाल में एक बार फिर बादल मौत बनकर बरसे और चंद घंटों में कोहराम मचा दिया। नदियां उफनाने लगी, लोग पानी में बह गए, घर तबाह हो गए। हालात इतने बुरे बने कि 112 लोगों की मौत हो गई। तो कई लोग मौत के चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी की जंग लड़ते रहे। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तीन लोग टिनशेड पर बैठकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ बेतहाशा सैलाब बह रहा है कि तभी अचानक टिनशेड खिसकता है और तीनों जिंदगियां पानी में बह जाती हैं। ला 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 लागो। सैलाब के सबसे खौफनाक रूप को दिखाई ये तस्वीर देखिए, कैसे एक विशाल कायपोल पानी में फंसकर तिनके की तरह बह गया और आगे जाकर नदी किसी प्रलयकारी पल की तरह शोर मचाते हुए पुल को बहा ले गई। बाढ़ बारिश ही नहीं, साथ में पहाड़ भी दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड का एक ऐसा ही खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पहाड़ नीचे आ रहा है, जबकि वहां मौजूद लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। मलबा वहां बने मकानों को अपनी जद में ले रहा है, तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी पानी में बह गई। कैमरे पर ऐसे ऐसे मंजर कैद हुए हैं कि देखकर कलेजा कांप जाए, जैसे कुदरत ने सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली। सैलाब के बीच फंसा ये शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जरा सी चूक और सैलाब इसे बहा ले जाएगा, क्योंकि जिस टिन शेड पर ये खड़ा है वो कभी भी पानी में समा सकता है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका कि ये शख्स बच पाया या नहीं। सैलाब से तबाही कितनी हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैसे सब कुछ तबाह हो गया। जो कुछ सैलाब के बीच बचा नजर आ रहा है वो भी खतरे में है, जबकि दूसरी तरफ मौत को मात देकर जो लोग बच निकले वो किस तरह रेस्क्यू किए जा रहे हैं, ये भी देख लीजिए। कैसे रस्सियों के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई गई। इन तस्वीरों में कैद मंजर को भी देख लीजिए, कैसे सैलाब का शोर डरा रहा है और सैलाब के बीच इन लोगों ने निकलने की गलती कर दी। नतीजा आपके सामने है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इन बाइक सवार लोगों की जान बच गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, सैलाब में सब कुछ बह गया, विशाल इमारतें तिनके की तरह बह गई, फिर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा शान से खड़ी रही, जैसे सैलाब को भी चिढ़ा रही हो। मौत का ऐसा ही मंजर नेपाल के दूसरे इलाकों में भी नजर आया। कहीं गलियों के बीच जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, तो कहीं गाँव ने लोगों की जिंदगी बचा ली। नेपाल में हर तरफ बस तबाही तबाही और तबाही ही नजर आ रही है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बताती हैं कि कुदरत ने इन इलाकों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर, सामान और जान सब कुछ सैलाब में समा चुका है। कहीं सैलाब में सोफा बह रहा है, कहीं टेबल और कुर्सियां तिनके की तरह तैर रही हैं। मानो पानी ने पूरा घर और घर का सामान अपने साथ बहा लिया हो। ये तस्वीरें गवाह हैं सैलाब ने कितनी बर्बादी मचाई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, शहर को जोड़ने वाला पुल पानी के रौद्र रूप को झेल नहीं पाया और खुद पानी में झूले की तरह झूलने लगा। फिर देखते ही देखते पुल पानी में समा गया। नेपाल सरकार हर संभव रेस्क्यू की कोशिश कर रही है, लेकिन इस विनाशकारी बारिश और बाढ़ से नेपाल को इतना बड़ा जख्म दिया है कि घाव भरने में सालों लग जाएंगे। सबसे ज्यादा तबाही ललितपुर जिले में हुई है। कभी भूकंप तो कभी बारिश, लेकिन हर बार तबाही एक जैसी हुई।
इस बार भी काठमांडू में 24 घंटे में 239.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद पूरे देश में तबाही का मंजर दिखा। ऐसी बारिश जिसने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2002 में ऐसी ही तबाही काठमांडू में हुई थी, लेकिन इस बार अब तक 112 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 68 लोग सैलाब में लापता है। यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 20 से ज्यादा नदियों पर बने पुल पानी में बह गए हैं, कई गांव पूरी तरह दूसरे हिस्सों से कट गए हैं। अब तक 400 से ज्यादा घरों के सैलाब में समा जाने की भी खबर आ रही है, जबकि देश भर में 63 जगहों पर हाईवे बंद है, यानी दो हिस्से आपस में कट चुके हैं। वहीं नेपाल के 56 जिलों में बाढ़ बारिश का अलर्ट है, यानी नेपाल पर आफत के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। भागलपुर को भगवान बचाए, ऐसा हम नहीं वहाँ के लोग कहने लगे हैं। वजह है एक के बाद एक गंगा में समाते यहाँ के गांव और कानों में उंगली डाले बैठे अफसर, जिन्हें डूबते घर देखकर भी फर्क नहीं पड़ता। भागलपुर से एक बार फिर गंगा में मकान गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो बताती हैं कि बिहार का ये जिला, खासकर गंगा किनारे बसे गांव कितने बड़े खतरे में है। जरा पहली तस्वीर देखिए, गांव वाले चीख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मकान गंगा में समाने वाला है। हुआ भी ऐसा ही, देखते ही देखते पूरा मकान गंगा में डूब जाता है। दूसरे मकान के साथ भी ऐसा ही होता है, किसी ने पाई पाई जोड़ कर ये घर बनवाया होगा, रंगाई पुताई करवाई होगी, लेकिन गंगा की जलधार इससे भी नील गई। तीसरे मकान की तस्वीर तो और भी डराने वाली है, जरा देखिए कैसे ये घर भी गंगा में डूब गया। भागलपुर के तराई इलाकों में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा घर अब तक गंगा में डूब चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने पीड़ितों को क्या मदद दी ये तो वही बता सकते हैं। बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है पान सिंह तोमर। इस फिल्म में इरफान खान का एक फेमस डायलॉग है, आज तक पुलिस ना पकड़ पाई। ये डायलॉग राजस्थान पुलिस पर बिल्कुल फिट बैठता है। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस जीप बीच रास्ते में ही हांफने लगी। ये वीडियो देखिए, दो पुलिस जीप आगे पीछे चल रही हैं और पीछे वाली जीप को रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा है। दरअसल पुलिस की ये गाड़ी बदमाशों को पकड़ने निकली थी, लेकिन बदमाशों के पास पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में इस जीप की सांस फूलने लगी और ये बीमार हो गई, जिसके बाद जीप को टो कराकर थाने तक लाया गया। नतीजा ये हुआ कि बदमाश फरार हो गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कोटा पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। बारिश के सीजन में जहरीले सांपों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम और आप ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन कभी कभी सांप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे बैतूल के इस घर के लोगों ने कहां ही सोचा होगा कि उनके घर के जूते के अंदर कोबरा निकल जाएगा। जब टॉर्च मारते हुए लोग कोबरे के पास पहुंचे, तब खतरा महसूस करने पर उसने अपना फन निकाल कर सबको डराना शुरू कर दिया। अब बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन बैतूल का ये परिवार अगले कुछ दिनों तक जूतों को चेक करके ही पहनेगा। वैसे सावधानी तो इन दोनों बाइक चलाते वक्त भी होनी चाहिए, क्योंकि सांप तो वहाँ भी घुस रहा है। इटावा में बाइक चलाते वक्त एक शख्स को सांप दिखा, उसने फौरन बाइक रोक कर लोगों की मदद से सांप को निकाला। मध्य प्रदेश के सिवनी में रेलवे के बैटरी रूम में 8 फीट लंबा अजगर निकल गया। इसे देखकर जाहिर है कि वहाँ मौजूद कर्मचारी भी सकते में आ गए। आखिरकार स्नेक कैचर को बुलाकर उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। यही हाल एमपी के टीकमगढ़ का रहा। यहाँ किसान के खेत में अजगर दिख गया। अजगर के मुंह को बोरे से ढककर उसे कंट्रोल किया गया। टीकमगढ़ का अजगर सिवनी वाले अजगर से 2 फीट ज्यादा लंबा था। बिहार में अभी भी कई जगहों पर डांसर्स का शो चलता है। मोतिहारी में इन्हीं में से एक शो में कुछ लड़के हाथ में पिस्टल लेकर पहुंच गए और स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगे। स्टेज पर चढ़कर ये लड़का पूरी रुआब के साथ डांस कर रहा था। इसके साथ में पिस्टल है और बाजुओं के पास एक डांसर अपनी पूरी थिरकन के साथ परफॉर्म कर रही है। हाफ पैंट पहने इस लड़के को देखकर साफ लग रहा है कि ये नृत्य प्रस्तुति किसी गांव में हो रही है, और वहीं जाकर इन लड़कों ने हुड़दंग किया है। इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि इन्हें अपने चाल चलन में सुधार लाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ इन्हें अपनी अंग्रेजी सुधारने की भी जरूरत है। जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को पोस्ट किया, उसने उसके साथ अंग्रेजी में लिखा एंजॉय टाइम, यानी मजे करने का समय, लेकिन यहाँ टाइम की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। बताया गया कि जिस लड़के ने हाथों में पिस्टल लेकर डांस किया, उसका नाम अखिलाफ कुमार है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिस पिस्टल को वो लहरा रहा था, वो भी जब्त कर ली गई है।